हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हम सफ़र। आज इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, और फिर नेचर ऑफ फोर्स मतलब हमारे सराउंडिंग में कितने तरह के फोर्स पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फोर्स का डिफिनेशन। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम धक्का देते हैं या फिर उसको खींचते हैं तो जिस कारण से वो बॉडी मूव करता है वो कारण ही फोर्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, बॉल को आपने हिट किया, क्रिकेट बॉल, उसको आपने हिट किया तो वो बॉल बाउंड्री लाइन पार गया, मतलब यहाँ से यहाँ बॉल मूव किया। तो जिस कारण से बॉल यहाँ से यहाँ मूव किया वो कारण ही फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हम फोर्स को नापते कैसे, जैसे वजन को किलो किलोग्राम में नापते हैं और लेंथ लंबाई को मीटर सेंटीमीटर ये सब में नापते हैं, वैसे ही फोर्स को नापने के लिए इसका यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो दो प्रकार के होते हैं, पहला बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, नेट फोर्स जीरो कब होगा, मान ली ये आपका घर का दीवार है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आज इसको हम गिरा दें, आप इसको धक्का दें, तो आप इसको कुछ फोर्स से धक्का दिए, मान ली आप बहुत खाते पीते हैं फिर भी आप इसको 100 न्यूटन से धक्का दिए, ठीक, तो क्या दीवार मूव करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये दीवार आप पे ही, ये जितना आप 100 न्यूटन लगा रहे उतना ही फोर्स इधर लगा देता है, मतलब जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स इधर लगा, फोर्स तो बैलेंस हो गया इसलिए दीवार मूव नहीं करता है। तो यहाँ इस एग्जांपल में क्या दिखा कि जो नेट फोर्स रहा वो दीवार पे वो क्या हो गया, जीरो। तो डिफिनेशन क्या होता है बैलेंस फोर्स का, द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। दूसरा क्या है, अनबैलेंस फोर्स, इसमें क्या होता है, आप एक बॉल एग्जांपल ले लेते हैं, वही बॉल वाला, आपने इसको बैट से हिट किया, ठीक है, तो ये बॉल मूव की गया, मतलब आप अगर यहाँ 100 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बॉल जवाब में आप पे मान लिए 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है, तो इधर तो फोर्स ज़्यादा है इसलिए बॉल इधर मूव कर जाएगा। इधर फोर्स कितना ज़्यादा है, देखिए 100 माइनस 50 बराबर 50 न्यूटन, मीन्स बॉल इधर मूव किया 50 न्यूटन फोर्स से, जब इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगा तो बॉल इधर मूव किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेचर में कौन कौन तरह के फोर्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ कुछ फोर्स आप जानते होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहले ही बताया था, न्यूक्लियर फोर्स, यही सब फोर्स पाए जाते हैं, और कुछ कुछ फोर्स जैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी पाए जाते हैं, जिस कारण से हम लोग ज़मीन पे चल पाते हैं या फिर जिस कारण से हम लोग स्टेबल हैं, जिस कारण से हम लोग खड़े रह पाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स कब लगता है, जब कोई किसी वस्तु को हम लोग रस्सी से खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग क्या जानते थे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो धरती माता हम लोग पे फोर्स लगाती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स जानते, ये होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो, इसका m1 मान लेते हैं, इसका कुछ m2 मान लेते हैं, ये दोनों आपस में
एक फोर्स लगाते हैं किसके कारण, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण। म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण जब दो बॉडी, दो मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज़ एन यूनिवर्सल फोर्स, इट इज़ ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है उस पर एक फोर्स लगता ही है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। हम लोग सब पे, जैसे कुछ ऊपर हम लोग सब पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है धरती माता के कारण। जैसे कि हम लोग ऊपर कुछ फेंकते हैं तो वो वापस से नीचे आता है, तो एक छोटा मास हो गया और हमारा धरती का मास तो बहुत बड़ा है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ये मान लिए ये हमारी धरती अर्थ, और ये एक बॉल को आपने सरफेस से ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये इसका मास तो बहुत कम होगा m, इसका मास बहुत बड़ा होगा m, तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगता है। ये बॉल भी इस पे फोर्स लगाता है और अर्थ भी इस पे फोर्स लगाता है, तो लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बॉल इसकी तरफ खींचा चला आता है। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से, हम दूसरे फोर्स के बारे में जानते हैं। दूसरा फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जैसे दो चार्ज पार्टिकल, एक मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, एक मान लेते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो चार्ज पार्टिकल इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और इन जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। मीन्स ये लगभग 10^36 टाइम बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मीन्स मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जी इससे कितना बड़ा होता है, 10^36 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है।